नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रो एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडो मेगा हॉट 1500 वॉट्स इमर्शन वाटर हीटर के बारे में। दोस्तों, ये इंडो ब्रांड का इमर्शन वाटर हीटर है, इमर्शन रॉड भी इसे कहते हैं। पानी गर्म करने के लिए ये काम में ली जाती है, इमर्शन रॉड। दोस्तों, ये 1500 वॉट के पावर कंजम्पशन के साथ आती है और इंडो एक अच्छा ब्रांड है जो बजट में आपको अपने प्रोडक्ट्स देता है। इसके फैंस भी आते हैं और दूसरी भी चीज़ें आती हैं इसकी। ये इमर्शन रॉड जो है ये कॉपर वाइंडिंग के साथ आती है, 100% कॉपर वाइंडिंग वाली होती है। और इसकी कीमत के बारे में बात करें तो लगभग 300-350 रुपये में ये हमको मिल जाती है। इसको ऑनलाइन ऑर्डर करने का अगर कोई लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप अच्छे प्राइस पर इसको ऑनलाइन परचेस कर सकेंगे। दोस्तों, चलिए इसको अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की रॉड हमको मिलती है, ये इंडो की इमर्शन वाटर हीटर रॉड। देखिए, हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो अच्छे से पैक करके दिया हुआ है, ऐसा कि आसानी से खुले नहीं। ये देखें, कुछ इस तरह की इमर्शन रॉड ये होती है, स्पाइरल शेप में ये होता है इसका हीटिंग एलिमेंट, काफ़ी अच्छा। और ये यहाँ पर ऊपर इसकी वायरिंग वाला पार्ट दिया है, यहाँ पर एक हुक दिया हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम का इन्होंने साइन दिया हुआ है। और केबल भी काफ़ी अच्छी है, लगभग 6-7 फीट लंबी केबल इसमें हमको मिल जाती है, काफ़ी अच्छी है इंडो मेगा हॉट इमर्शन रॉड। मोस्ट पावरफुल, मोस्ट वर्सेटाइल, मोस्ट ड्यूरेबल, ऐसी इनकी टैगलाइन है, बी इंडियन बाय इंडो। और इसकी एक सीज़न की वारंटी मिलती है हमको, एक सीज़न की वारंटी आती है, 30 इयर्स ऑफ सर्विस एक्सीलेंस, 30 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। 100% कॉपर ट्यूब एलिगेंट इसमें है, जैसे लॉन्ग लास्टिंग निकल प्लेटिंग के साथ में और लॉन्गर एलिमेंट लाइफ। जो एलिमेंट है इसका वो कॉपर ट्यूब है, 100% कॉपर वाइंडिंग के साथ और ऊपर निकल की कोटिंग की हुई है जिससे कि उसकी लाइफ लंबी रहे हीटिंग एलिमेंट की। साथ ही इसमें फास्ट हीटिंग होती है, कॉपर का है तो हीटिंग भी फास्ट होगी। और SS का हुक दिया हुआ है, ये जो यहाँ हुक है ये SS का हुक है, स्टेनलेस स्टील का, जिससे कि ये गर्म नहीं होगा, जिससे हीटिंग एलिमेंट्स टच होकर और कोई झटका वगैरह आपको नहीं लगे इससे। लॉन्ग लाइफ एलिगेंट डिज़ाइन, डिज़ाइन भी अच्छा है, लंबे समय चले, इस तरह से डिज़ाइन किया है इसको कि आप बाल्टी में या किसी दूसरे बर्तन में रख के पानी को गर्म कर सकें और ये लंबे समय चल जाए। फिर देखें तो इसमें इजी टू यूज़, बिल्कुल आसान काम है, कैसे यूज़ करना है वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको अपना जो भी बर्तन है, बाल्टी वगैरह, उसमें पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद इसको पानी के अंदर रखना होगा। तो पानी को अंदर कैसे रखना है, ये यहाँ पर मिनिमम है और ये यहाँ पर मैक्सिमम है, मिनिमम और मैक्सिमम का साइन दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में वाटर लेवल आपका रहना चाहिए। इस तरह से इसको आपको इस हुक के ज़रिए आपको लगाना होगा, ये यहाँ जो हुक दिया है इस हुक में अटक जाएगा। इनफ वाटर चाहिए इसके लिए सो दैट इमर्शन हीटर इज डिप्ड अप टू द मिनिमम वाटर लेवल इंडिकेटेड ऑन इट्स मेटल प्लेट, अदरवाइज द हीटर कैन बी डैमेज्ड। अगर इसमें पानी मिनिमम से नीचे होगा तो ये डैमेज हो जाएगा, या पानी मैक्सिमम से ऊपर हो जाएगा, यहाँ अगर आ जाएगा पानी तो यहाँ वायरिंग जला देगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि पानी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में हो, इस तरह से इसको सेट करके रख देना है। फिर इसका ये जो प्लग है, ये प्लग आपको 16 एम्पियर सॉकेट में लगाना है, 6 एम्पियर में लगाएंगे तो 6 एम्पियर का सॉकेट जल जाएगा, इसलिए 16 एम्पियर के सॉकेट में आप इसको लगाएं। 16 एम्पियर के सॉकेट में लगाकर आपको स्विच ऑन करना है, ये पानी गर्म करता रहेगा 15-20 मिनट बाद, या जो भी आपका कंटेनर है उसके हिसाब से देखिए, बड़ा कंटेनर है तो समय ज़्यादा लगेगा, छोटा है तो जल्दी काम हो जाएगा, उसके हिसाब से आपको चेक करना है। तो बंद करें, थोड़ी देर रुके, उसके बाद इसको बाहर निकाल कर फिर हाथ डालकर चेक करें। आप चालू रॉड में हाथ नहीं लगाएं, आपको झटका लग सकता है, रिस्क नहीं लें। तो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना होता है। और
वही है कि बंद करने के बाद आपको थोड़ा सा रुकना होगा और चालू आप नहीं करें जब तक पानी के अंदर नहीं रखी हो। पहले पानी के अंदर रखें उसके बाद ही इसको स्विच ऑन करें। सूखी अगर चलाएंगे तो जल जाएगी। इस तरह की ये रॉड है इमर्शन वाटर हीटर। और अर्थिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि डीपी से अर्थिंग आया हो आपका, ये देख लें आप। वर्किंग कंडीशन का प्रॉपर अर्थिंग हो, वो बीम वगैरह का अर्थिंग इसमें काम नहीं दे पाता है क्योंकि ये 1500 वोट का है। नॉर्मल चीज़ें चल जाती है, ये नहीं चल पाता है। इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अर्थिंग प्रॉपर हो, इसको पानी में ठीक से डीप किया हो आपने, सूखा नहीं चलाना है, और पानी में डालने के बाद स्विच ऑन करना है, पहले स्विच ऑफ करना है फिर पानी से बाहर निकालना है। ये इसको यूज़ करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, जिससे कि इसकी लाइफ लंबी रहे। आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो लंबी लाइफ रहेगी। इसकी वारंटी 1 सीजन की होती है और ये कॉपर की है तो लंबा समय चलती है। बस इसकी फूटने की कोई गारंटी नहीं होती है, ये ब्रेक हो जाए उसकी कोई वारंटी नहीं होती है। तो बस सावधानी पूर्वक आप चलाएंगे, ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं। वारंटी पीरियड में आपको पीस टू पीस चेंज हो जाती है ये इंडो की वाटर इमर्शन हीटर। तो दोस्तों ये हमने बात की इंडो मेगा हॉट वाटर इमर्शन हीटर के बारे में, जो आपको 300-350 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाता है। और ऑनलाइन आप परचेस करना चाहते हैं तो अगर ऑर्डर लिंक होगा वहाँ से आप परचेस कर लीजिएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑर्डर लिंक दूंगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे और भी वीडियोज़ देखते रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू।